अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है, उम्मीद करदा तमाम दोस्त खैरियत नाल होसन। जनाब मैं हाँ तुहीद अहमद, ते तुसी मेरा यूट्यूब चैनल वेख रहे हो एग्री एडवाइज़र। मैं मौजूद हाँ एक फार्म ते जिथे के जड़ा ना पौधे की गार्डनिंग वगैरह की हुई है, छोटा जिहा बगीचा बनाया हुआ अपने खाण पीन वास्ते। ते जनाब साढ़े इलाके के मरूफ शख्सियत मार मुहम्मद अरशाद साहब, इन्होंने इस गार्डन का आगाज़ किया है को पिछले 4-5 साल तो। इन्होंने नायाब फ्रूट लाए ने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ कामयाब होए ने कुछ कामयाब नहीं होए ने। तो सब तो ज़्यादा जड़ा कामयाब होया वो साढ़े इलाके च ना जापानी फल कामयाब होया। साढ़ा इलाका है जी ज़िला विहाड़ी, तहसील भी विहाड़ी है साढ़ा, एरिया साढ़ा नज़द पै जाता करमपुर, जेड़ा कि साढ़ा इतना गर्म इलाका है वो भी कामयाब है। और अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला मैं भाई अरशाद साहब को इनफॉर्मेशन लीए कि पिछले कम अज़ कम जड़ा ना ये पौधा 4-5 साल तो फ्रूट दे रहा है, बिल्कुल छोटा जिहा सी उस टाइम का इन्हें फ्रूट चकना शुरू किया है। तो जनाब इसका तो थोड़ा जिहा रिव्यू कराने। जनाब जी उत्ते लाए हुआ जाल ताकि परिंदे इस नुकसान ना पहुँचावन, काफ़ी ज़्यादा तादाद जड़ा ना परिंदे इसते आ जाते हैं, काफ़ी मतलब परिंदे ने भी नुकसान किया है। शायद मैं थोड़ा जहा जूम करके तमाम दोस्तों ने दिखा सकाँ, ए देखो ना ए परिंदे ने नुकसान किया जनाब इसका काफ़ी ज़्यादा। तो भाई अरशाद साहब पहुँचे ने उन्होंने को रिव्यू लेने हैं कि इन्होंने पौधा कितने का इंपोर्ट किया, कितों किया और कितने पैसे भरे और कितने अरसे तो फ्रूट दे रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अरशाद साहब, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है जी। और सर तभी से ठीक है जनाब, मैं पिछले बड़े दिनों तो सुनने लगा कि भाई अरशाद होना पौधा लाया हो जी आखे जापानी फल का, तो आखे बड़ी फ्रूटिंग श्रूटिंग का बड़ा माहौल है भी अजी। मैं अज आ गया, मैं लगा जाना, मैं चलो पता कर लाव भाई अरशाद साहब को रिव्यू ले लवा। तो बाकी बंदे तो आखते जी बड़ा आखे अच्छा फ्रूट है भी, उसका बड़ा माहौल है निज़ाम है, मैं चलो पता कर लवा। ते अरशाद साहब ये पौधा तुसा कदा ली आए, कितने अरसे तू है तुहाडे कोलों? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई सारे नु। बस साहब असल दे विच ना ये तकरीबन इस वक्त इहदी 4 साल उम्र हो चुकी है जी, ते पहले साल तो ही ये लगना शुरू हो गया है जी, ते फल भी काफ़ी ज़्यादा देंदा है जी, ते इस दे पकावण दा कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। ये 10 महीने च इसकी पाल पावनी बहुत जरूरी होंगी, वैसे जी उत्ते भी पाल जाता है, उत्ते भी पक्त जाता है जी, लेकिन ओनू आपा थोड़ा जिहा पाल पाल लवेंगे ना 10वें महीने की तकरीबन 15 तरीक तो वो कोई फल जाया नहीं होता, सारा बिल्कुल टेस्ट भी अच्छा बन जाता, फल पक जाता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसका तुसा टेस्ट किस तरह का है, मतलब जिस तरह अपना रूटीन वाइज है उस तरह का है, जिस तरह मतलब मार्केट है पिया? देखो ना ये तो है ना देसी माहौल है, मतलब बिल्कुल ही म्यारी है कि बाजार नाल भी बहुत मिठा होता है। अपना तुम मैं चेक करवाना इतो तोड़ लो, कोई भी चेक करके ले आओ जी, तो माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत कमाल है। नहीं तुम आप जाओ ना, तुम आप हाथ ना तोड़ के ले आओ, कोशिश करना जी जाल के बीच हाथ पा के तोड़ के जी जी तुम। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, चलो चेक कर लेने हैं। ए फिर शिकारी बंदे तो ते ना फिर छुरी भी तोड़े कुल चाहिए कंटा। हाँ जी असला तो जरूरी है। सही हो गया, सही। थोड़ा ज़ूम करो मैं तुम्हें दिखाना, देखो ना थोड़े जी आगे आ जाओ छांत। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ना थोड़ी जी देर है इस वजह नाल करके थोड़ा जी ना सख्त भी है जी जी, ते तकरीबन 10वें महीने की 15 तरीक ना आप पाल पा ली है ना ते बिल्कुल पक जाना है जी जी। हाले है थोड़ा जी कच्चा, थोड़ा जी सख्त इस वजह नाल है कि थोड़े जी दिन रहने ने। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। ते चेक करो, चेक करो जनाब, बिस्मिल्लाह उधर हो गया लो, बहुत आला टेस्ट, बहुत मीठा बहुत है जी। भी खाओ, मैं भी खा रहे हैं रोजाना खाते रहने। नहीं यार चलो आज मेरे सामने खा लो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मीठा फ्रूट है। तो जनाब मैं भाई अरशाद साहब को जनाब ये ना तुसा कुछ मैं तुस आखते पे हो भी मैं मशवरा देना चाहना अपने जिम्मेदारों को, मशवरा देना चाहते हो? देखो ना फ्रूट तो बंदा कोई भी लगा लेंदा, कोई भी खाली जगह मिलती है बंदे, सब तो बेहतर तो है कि पाकिस्तान के हालात उस तरह के ने, तो उन्हों सुहारण वास्ते ना रकबा इतना खाली पिया है, तो वो अगर आप पौधा ला लीए ना तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाला पौधा है जी, और बहुत ही मतलब म्यारी फल है,
मिठा भी बहुत है जी। इस चीज अगर मद्देनजर रखिए ना तो काफी जगह अपनी वैसे भी खाली पई होंगी उत्थे भी आप ला सकते हैं। मजे की गल है ना कि अपने इलाके दे विच पंजाब दे विच माशाल्लाह कोई इतनी ज्यादा भी टेंपरेचर नहीं है कि ये फल बर्दाश्त कर ना सके। जापानी फल तकरीबन जितने टेंपरेचर हो ना बर्दाश्त कर लेंदा है। तो दूसरी गल रही कि दसवें महीने की एंड ते जाके 15 तारीख न इस अगर ये फ्रूट कट्ठा करके तो पाल पा लीए तो कोई एक फल इन्हें जाया नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अपने इस एरिए का जो टेंपरेचर है वह कितना जा सकता है? 45 डिग्री तक ज्यादा तो मशहूरा है ना जिथे आप 15 से 20 एकड़ मतलब फसल काश्त करने तो फसलों के रेट भी आप सुनते पे अपनी हुकूमत कितने लैके जा रही है। तो उस तो बेहतर है कि आप इस तरह के फ्रूट ला के भी अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एक एकड़ ला लो, बिघा ला लो कम अज कम जापानी का। बाकी भी फ्रूट है इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे ने। बाकी माशाल्लाह भाई अरशाद साहब माजरत मैं थोड़ी गल टोक रहा, बाकी माशाल्लाह इन्होंने फ्रूट होर भी काफ़ी ज़्यादा लाए हुए हैं। तो ये वीडियो असं ला रहे हैं जनाब तकरीबन 2 अक्तूबर 2 से 3 अक्तूबर के दरम्यान, क्यों जो एडिट वगैरह करनी है थोड़ा जहा टाइम लग जाए सी। तो जनाब बाकी माशाल्लाह फ्रूट का इस टाइम जापानी फल का 300 रुपये रेट मार्केट चल रहा है, तुम आप वेख सकते हो। अगर साडा अंदाजा भी ला सकते हो भी कितना एक फ्रूट है साढ़े इस पौधे से, इसकी 4-5 साल एज है तो इसते कितना एक फ्रूट अंदाजा कितना एक लगा है? पहले तुम आखते हो भी जड़ा ना तो जड़ गया साडा या खा लिया या परिंदे नुकसान कर गए। तकरीबन 25-30 kg ना 4 साल की एज लग रहा। हाँ जी, कम अज कम एक एकड़ च कितने पौधे लग सकते हैं इस तरह के अंदाजा? फिर भी थोड़ा जहा अंदाजा काफी ज्यादा लग सकते हैं। हाँ जी काफी ज्यादा 25-30 kg मतलब एक पौधा दे रहा है। हाँ जी, तो तुम अगे नेक्स्ट टाइम अंदाजा ला लो माशाल्लाह। मैं कहना एक एकड़ ही काफी, एक दफा बंदा एक्सपीरियंस ही जी जी एक्सपीरियंस करना चाहिए। ए पौधा इतना महंगा भी कोई नहीं, तकरीबन 300-400 रुपये नाल ना एक पर पीस जड़ा है मार्केट चो मिल जाएगा तुहानू। ये तकरीबन ना तुसी लाना है पहले तो दूसरे महीने के दरम्यान, उदो फिर यदा पत्ता जड़ा होंदा है। पौधा अगर अच्छे किसी नर्सरी तो अच्छी नर्सरी तो इंपोर्ट किया जाए तो फिर उसका ना ज़्यादा अच्छा बेनीफिट है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं तमाम दोस्तों वीडियो पसंद आई हो सी।